हेलो हाय, मेरा नाम आरती सक्सेना है। यहाँ पे आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है जी मैम कि मतलब ये करेक्टर, ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जावा, मतलब होगी एक पिक्चर, लेकिन जब हम लोगों ने देखा सही है पिक्चर ये, सही बोला आपने, एक पिक्चर ये। एक हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए। थैंक यू। जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट्स थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई, इतना अच्छा रोल, इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद, मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफी सालों से है। मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है। पहले चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी, जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है हर एक्टर की ख्वाहिश होती है, वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था। और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज्ड बनने का भी मौका बहुत कम लोगों के नसीब में आता है, मुझे मिला है, सो आई वांट थैंक मिलाप फॉर दैट। और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा, इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विद एमए, मोनिशा, मधु एंड निखिल, दे हैव बीन ग्रेट 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 प्रोड्यूसर्स। इतने साल काम करने के बाद देन यू वर्क विद अ न्यू टीम, यू फील re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushan ji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much success. Hello, hi. मुझे बोलना था कि आपका जो रोल है ना, एक यादगार रोल हो सकता है इन फ्यूचर, लाइक आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे, दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट, और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ यू कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। हेलो, हाई, दिस इज सिद्धि फ्रॉम डेक्कन क्रॉनिकल। फर्स्टली द ट्रेलर लुक्स रियली अमेजिंग। माई क्वेश्चन इज फॉर यू सिद्धार्थ एंड रितेश। After watching the trailer, I could really feel that I am reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Mar Jaawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब सिर्फ मिला भी दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये रघु और विष्णु के बीच। Yes, because आप लोग character को play कर रहे थे, so is it actually a take on Indian mythology? Like even after seeing the post? Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But ये सब आप reference की बात कर रहे हैं, I think क्योंकि रावण है यहाँ पे, और वो उन्होंने जो लिखा है, जो एक बहुत ही important event होता है picture में, रावण को लेकर एक जो culture है, एक प्रथा है जो होती है, उनकी भारी भरकम dialogues भी हैं उसके ऊपर। So I think more than us saying anything else about the film, I think it will speak for itself. But baki ye batayenge ki aapne aap Ramayan se inspire hue? Well, mera manna hai zindagi, har kisi ki zindagi mein koi Ram hai, koi Ravan hai. There is good and evil in everyone. In this film, that is a subtext of good versus evil. Raghu, his name in the film actually is one of the names of Lord Ram. It has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. So, no, I just want to agree to what Milap and Siddha just said. Just the fact that, it's about a man fighting for his love and going all out. And that's what even Lord Ram did. And that's what Raghu is doing. And S-
सर मैंने बच्चन साहब की सारी फिल्में देखी है और कई बार देखी है, आज भी देखता हूँ, बार बार देखता हूँ. और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यस, जब मैंने पहली बार, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जो इकट्ठा नहीं है, जो अलग सिद्धार्थ के साथ शूट, अलग मेरे साथ शूट हुए हैं, बहुत सारे सीन्स जो हमने एक साथ किए हैं, पर जब मैंने उनके पोर्शन देखे तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो डायलॉग डिलीवरी थी, आई मीन आई जस्ट फेल्ट कि यू नो जो 80s या 70s में अमित जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इनकी है, इनका डीप बैरिटोन है, वो एटीट्यूड है. तो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट दैट इज़ देयर एज एन ऑडियंस. हेलो, सो स्वीट, थैंक यू. हाँ जी सर, आपका सवाल क्या था? ओह अच्छा, नहीं नहीं, वो आई थिंक जब एक डायरेक्टर की तरफ से वो सोच आती है कि वो ऐसे किरदार को देख के इंस्पायर हुए हैं. मैं भी वही बात कर रहा था कि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वो बाकी एक्शन हीरोज़ हो 90s के, जहाँ पे मैं पला बड़ा था. तो हम सब के जहन में वो होते हैं कैरेक्टर, जब हम चाहे परफॉर्म कर रहे हो या लिख रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो. तो आई फील एक अच्छी बात है, बट हमारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी और कैरेक्टर को एम्युलेट करें. बट डेफिनेटली वो जोन, लाइक वी हैव ग्रोन अप ऑन हीरोज लाइक हिम, एंड आज भी वो एक रेफरेंस है, चाहे हीरोज़ का एक्शन हो, उनका एक एटीट्यूड हो, एक स्टाइल हो. तो आई थिंक वो रेफरेंस अगर आपको उसमें दिख रहा है, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं. बट होपफुली पीपल फील द सेम ऑन 8 नवंबर. हेलो भूषण सर, भूषण सर डेडिकेट, खैर मुझे, मैं आई डोंट थिंक उस मुकाम पे हूँ या कि मैं डेडिकेट कर सकूँ या कुछ भी. बट अगर किसी को भी लगे कि वो थोड़ा 1% भी आसपास है, सो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. बट जैसे कि मैंने कहा, जब मिलाप ने मुझे बताया तो आई थॉट कि ऐसा किरदार मुझे दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा लिखा नहीं जा रहा है आजकल, यू नो, वेर यू कैन प्ले दैट 90s ग्रेस और ये सब. और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड. दो तीन फिल्मों की रेफरेंस दी थी मिलाप ने मुझे, बट या आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले इट. हेलो राहुल, टू लास्ट क्वेश्चन, राइट? लाइक हां, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से, पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे, ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी. तो बात करते हैं, जब मर जावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है ऐसा, कुछ नौबत ऐसी आती है. एक तो सलमान सर ने किक में बताया था, मैनु यार ना मिले तो मर जावा. तो आपकी नज़र में आपके कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मर जावा वाली? हाँ हाँ, कि मैं, मेरा अभी हुआ, फैंस को देखता हूँ हमेशा, मेरे को लगता है हाय मैं मर जावा. इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं. आप कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैंस से, मैं इनसे पहले भी मिला नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड. एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएँ लेते हैं ऐसे, हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया एक, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मर जावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर, क्योंकि कुछ